आज हम बात करने जा रहे हैं यहूदी, ईसाई, इस्लाम की टोपी एक जैसी क्यों है। साधारण सा जवाब है, दरअसल ये तीनों एक ही धर्म को मानने वाले हैं। ईसा यानी जीसस के आने से पहले यहूदी और ईसाई दोनों ही मुस्लिम थे। फिर ईसा के आने के बाद कुछ लोगों ने उन्हें ईश्वर का दूत मानने से मना कर दिया और तब दो गिरोह बन गए, ईसा को मानने वाले ईसाई और जो बाकी बचे वो यहूदी। फिर उसके बाद आखिरी दूत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए और फिर वही हुआ कि कुछ लोगों ने उन्हें ईश्वर का दूत मानने से मना कर दिया, तो फिर तीन गिरोह बन गए, ईसा को मानने वाले ईसा, मूसा को मानने वाले यहूदी और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानने वाले मोहम्मदी या मोहम्मदन। मोहम्मद को दूत मानने वाले ईसा और मूसा को भी वैसे ही ईश्वर का दूत मानते हैं, ईसा को दूत मानने वाले मूसा को वैसे ही ईश्वर का दूत मानते हैं और इब्राहिम को भी तीनों ही मानते हैं। जिस तरह सभी मुसलमान काबा यानी मक्का की तरफ रुक करके नमाज पढ़ते हैं, उसी तरह मक्का को केंद्र बनाने से पहले इन सब का केंद्र यरूशलेम ही था और तीनों उसी की तरफ रुक करके नमाज पढ़ते थे। परंतु जब उन्होंने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ईश्वर का पैगंबर मानने से इनकार कर दिया, तो उनके बाद उस केंद्र को ईश्वर ने यरूशलेम से बदल कर मक्का कर दिया, जिसका विस्तृत वर्णन कुरान में दिया गया है। इसलिए इन तीनों के लिए ही वो बहुत अहम है। दोस्तों, आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें।